वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिस पर आपको अनलिमिटेड क्रेडिट लिमिट मिलती है। इसके बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसा क्रेडिट कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन के लिए क्रेडिट कार्ड है, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है, फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। ये कोटक महिंद्रा बैंक का एक पर्सनलाइज क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको गोल्फ पर अच्छे बेनिफिट देता है, इंटरनेशनल स्पेंडिंग पर आपको अच्छे खासे बेनिफिट देता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर कार्ड होल्डर के हिसाब से क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। इसकी जो मिनिमम क्रेडिट लिमिट मिलती है वो 10 लाख रुपए मिलती है, और आप जैसे स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को, वैसे ही आपकी लिमिट और बढ़ा दी जाती है। मतलब जो आगे बढ़ाने वाली जो लिमिट है वो क्रेडिट लाइन के रूप में आपके सिविल स्कोर पर दिखाई देगी। और ये कोटक महिंद्रा बैंक के प्राइवेट क्लाइंटों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है। गोल्फ बेनिफिट की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूँ तो 1 महीने में 2 बार आप गोल्फ सेशन ले सकते हैं और 1 बार किसी को इनवाइट कर सकते हैं गोल्फ सेशन खेलने के लिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 800 रिवार्ड पॉइंट अर्न कर लेते हैं तो आपको 800 रिवार्ड पॉइंट और फ्री में मिल जाते हैं। इसके अलावा लॉन्च एक्सेस की अगर बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको मिलते हैं 1 क्वार्टर के भीतर। इसके अलावा ड्रीम फॉल्क एक्सेस का भी आपको बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर कॉन्टेज की सुविधा मिलेगी, होटल की बुकिंग करा सकते हैं, फ्लाइट की बुकिंग करा सकते हैं, टेबल की बुकिंग करा सकते हैं, या फिर कोई इवेंट की आप बुकिंग करा सकते हैं। डायरेक्टली आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे और ये जो सारी बुकिंग है 1 कॉल में आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पर। अगर आपका ट्रांजेक्शन 400 से 4000 रुपये के बीच में है तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। साल में आप 4500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। रेलवे सरचार्ज वेवर की अगर कार्ड पर बात की जाए, अगर आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको 1.8% का रेलवे सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर बुकिंग खिड़की से टिकट बुक करते हैं तो आपको 2.5% का रेलवे सरचार्ज वेवर मिलेगा। रिवार्ड पॉइंटों की कार्ड पर मैं बात करूं तो 125 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको प्रायोरिटी अटेंडेंस की सुविधा मिल जाएगी, और आपको एक मैसेज करना होगा कोटक महिंद्रा बैंक के दिए हुए नंबर पर, आपको तुरंत कॉल आपको मिलेगा जिस पर आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका आप सॉल्यूशन करा सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर कार्ड पर मैं बात करूं तो 21 साल से 65 साल उसकी एज होना चाहिए, इंडिया का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइवेट क्लाइंट होना चाहिए तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की अगर बात करूं तो वो बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरीके की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस इस क्रेडिट कार्ड पर चार्ज नहीं की जाती। मेरे ओपिनियन की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं, ये एक पर्सनलाइज क्रेडिट कार्ड है जो कि इनवाइट बेस पर मिलता है और कोटक महिंद्रा बैंक के प्राइवेट क्लाइंटों के लिए डिजाइन किया हुआ क्रेडिट कार्ड है, उन्हीं के हिसाब से इस पर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। पर अभी फिलहाल का किसी भी कस्टमर के लिए ये क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च नहीं हुआ है, क्या पता फ्यूचर में ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो जाए। तो आप किस किस को ये क्रेडिट कार्ड चाहिए और मेरे ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट में बताना किस किस को ये क्रेडिट कार्ड चाहिए। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।